नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है हमारी स्टडी इन बुल्गारिया, जो कि ये लेकर चलिए कि यूरोपियन कंट्री है लेकिन 1 अप्रैल से ये शेंगन के साथ ज्वाइन कर जाएगी। इसकी अप्रूवल मिल चुकी है रोमानिया और बुल्गारिया को। दिस कंट्री विल आल्सो बी इनकैशेबल। मैं आज से नहीं कह रहा, बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ कि इन कंट्रीज़ में जाना भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे इकोनॉमिकल स्टडी ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए दिस इज़ वेरी गुड डेस्टिनेशन है। आप हमारी बुल्गारिया या रोमानिया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। हर एक वीडियो में मैं यही आपको सजेस्ट करता था कि इसका इनकैशमेंट करना चाहिए। जिन्होंने इनकैश किया है वो इसका बेनिफिट स्टिल दे आर टेकिंग, क्योंकि हमें मालूम है कि आने वाले टाइम में क्या हो पाएगा। अभी जो EU कैंडिडेट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, अभी यूरोपियन कंट्री के साथ कौन सी और कंट्रीज ज्वाइन होने वाली हैं, ऐसी जो सारी जो काउंसलिंग है वही टेक्निकल पर्सन दे सकता है जिन्होंने इनके साथ लंबे समय से टच हैं, जो रेगुलर वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ें पढ़ते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि जस्ट चलो कनाडा, चलो US, चलो अभी UK। वी आर नॉट लाइक दैट, वी आर द प्रोफेशनल्स लाइक कि हम आपको बता सकते हैं कौन सी कंट्री फ्री में भी स्टडी प्रोवाइड करती हैं। ऐसे ऐसे इनकैशमेंट करने चाहिए इंस्टेड ऑफ भेड़ चाल से बचें, क्योंकि किसी भी कंट्री में जाना है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करके जाता है वो बच्चे के अंदर स्किल है, समझिए, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके फॉरेन कंट्रीज में पहुँचता है। अभी हम क्या करते हैं, अपनी लालच के चक्करों में लाखों रुपये लगा कर चले जाते हैं, 16, 17, 20 लाख रुपये की फ़ीस लगा कर जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसी कंट्री में आप 4 लाख की भी फ़ीस लगवा कर जा सकते हैं, बट बच्चा हमारी नहीं सुनता, दूसरे पर्सन के पास जाकर उसी कंट्री में वो 12 लाख रुपये लगा कर जाता है। मैं फिनलैंड की भी बात करूँ कि फिनलैंड में इस वाली यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, ये वाले प्रोग्राम्स में जाएं इंस्टेड ऑफ टेलर मेड में, बट आपने किसकी सुननी है जो आपको मोटिवेशंस, बड़े बड़े वीजे या सारा कुछ दिखाएगा, उसको इमीडिएटली ट्रैप में आते हैं। फर्स्टली एटलीस्ट ट्राई ऑन दैट प्रोग्राम्स इन दैट कंट्रीज़ कि जहां पर आपको मिनिमम से मिनिमम बजट, जहां पर आप फ्री टाइप में पहुँच पाएँ। तो अभी हम बुल्गारिया की बात करते हैं, तो बुल्गारिया के फैक्ट एंड फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन लेकर चले तो इसकी 68 लाख की पॉपुलेशन है। एरिया को लेकर चले तो 1 लाख से ज़्यादा इसका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें, इसके साथ 5 बॉर्डर लगते हैं, वो कौन कौन से हैं, रोमानिया है, ग्रीस है, तुर्की है, सर्बिया है और मैसिडोनिया। दीज आर द 5 बॉर्डर विद बुल्गारिया। अभी बुल्गारिया में एडमिशन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है, पार्ट टाइम जॉब्स की क्या अवेलेबिलिटी है, और इवन आफ्टर स्टडी आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, स्कॉलरशिप के क्या ऑप्शंस हैं, ये सारे की सारी ये हमारी एक नॉर्मल डिस्कशन रहेगी। तो फर्स्टली ये बता दूं कि आप बुल्गारिया में 3 लैंग्वेज में भी अपनी किसी भी डिग्री को कर सकते हैं, आपको इंग्लिश टॉट में भी मिलेगी, ठीक है। दूसरा, आप फ्रेंच टॉट में भी और जर्मन टॉट में भी, ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं 3, इनमें भी अगर आपने इन लैंग्वेजेस में भी वहाँ पर अपनी कोई बैचलर या मास्टर डिग्री करनी है तो आप बुल्गारिया में जाके इन चीज़ों को इनकैश कर सकते हैं। ट्यूशन फीसेस के ऊपर आते हैं, यहाँ की जो ट्यूशन फीस है 2500 यूरो से 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 8000 यूरो तक की हैं, डिपेंड है कि आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं। और स्कॉलरशिप की बात करें, 250 यूरो से लेकर 1000 यूरो का स्कॉलरशिप है, डिपेंड कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से प्रोग्राम में इसमें एडमिशन रहे हैं। स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है कौन से बच्चों के लिए है, सबसे पहले दे आर चेकिंग योर सेट स्कोर। अगर आपने सेट किया हुआ है तो कुछ यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ आपके सेट स्कोर देखने के बाद स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आपके पास सेट नहीं है, आपने आयल्स किया है, आपके 75% से ज़्यादा नंबर हैं, उस बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो स्कॉलरशिप 250 से लेकर 1000 यूरो तक का है, अगेन डिपेंड, मैक्सिमम जिसके मार्क्स हैं उसको 1000 यूरो तक का भी मिल सकता है। मोटिवेशन लेटर आपका कैसा है, इन चीज़ों को देखने के बाद फिर आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं स्काइप, उसको देखने के बाद दे आर ग्रांटिंग द स्कॉलरशिप। प्रोग्राम्स सारे के सारे मिल सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में, बिजनेस में, आपने इंजीनियरिंग में कुछ करना है, मेडिकल की फील्ड में कुछ करना है, ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम्स यू कैन टेक इन बुल्गारिया। फीसिस के बारे में, पार्ट टाइम जॉब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी का भी प्रोविज़न है, इवन बहुत ईजी है वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना,
आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी। इवन बच्चा अपना जो वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा को स्विच ओवर भी करवा सकता है, आइदर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट करके या वर्क परमिट पे, ये भी ऑप्शंस हैं। और इवन एज ए स्पोज कैटेगरी में भी वो इसको चेंज करा सकता है अगर वहाँ पर मैरिज करवा लेता है। ऐसे ऐसे प्रिविलेज भी आपको बुल्गारिया में मिल सकते हैं, तो यहाँ का भी इनकैशमेंट जरूर करें। बुल्गारिया में जाने से पहले बात फिर वही रिपीट करता हूँ कि हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन बुल्गारिया, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर बुल्गारिया से रिलेटेड हमारी वीडियोस वॉच करें, देखें, उसके बाद डिसीजन लें। अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, एडमिशन प्रोसेस क्या है। यहाँ पर जो भी एडमिशन प्रोसेस है, यूनिवर्सिटीज़ के पास डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के जाने के बाद यूनिवर्सिटीज़ आपके डॉक्यूमेंट रेस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसको भेजती है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस आता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी। अभी यूनिवर्सिटी में जब आपने केस डालना है तो वहाँ पर सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज है, मैक्सिमम 95% यूनिवर्सिटीज आपके जो डॉक्यूमेंटों को, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको बुल्गारियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड भी मांगती हैं, वो भी ऑथोराइज जो बुल्गारियन ट्रांसलेटेड है जिसको वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया हुआ है। तो अगर आपको ट्रांसलेशन की सर्विस भी चाहिए बुल्गारिया के लिए, क्राउन इमिग्रेशन वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती है कि अगर आपने अपना प्रोसेस अपने लेवल पर करना है तो उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी के साथ नंबर ऑफ ऑथराइज ट्रांसलेटर भी पैनल है जो ऑलरेडी बुल्गारिया के अंदर है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड है। तो उसके बाद क्या है, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो PCCV वहाँ की जो बुल्गारिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है दे आर आस्किंग, तो आपका जो जिसको हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन इन बुल्गारिया फॉर एडमिशन। विदाउट दैट सर्टिफिकेट आपकी जो एप्लीकेशन है जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीसें भी हैं, तो कितनी है, 50 यूरो से लेकर 100 यूरो। बट अगर आप बुल्गारिया में MBBS के लिए जाते हैं तो उसकी 250 यूरो की फीस है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वहां पे एडमिशन्स हैं, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजता है। तो इसका कंप्लीट प्रोसेसिंग टाइम कितना है एक्सेप्टेंस लेटर का जो वहां की मिनिस्ट्री इशू करती है, तो ये लेकर चलिए जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर आपको वहां का एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। डिपेंड है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर रश कितना पड़ा हुआ है। एक्सेप्टेंस जब आपके पास ओरिजिनल आ जाता है, उस एक्सेप्टेंस के बाद आपको अपनी ये फाइल एम्बेसी में सबमिशन करवाने पड़ती है जो बुल्गारिया एम्बेसी दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। वहां पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, आपका एक्सेप्टेंस लेटर, आपके सारे के सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी अपोस्टाइल होने चाहिए, दैट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन एज वेल एज फॉर पुटिंग हेयर फॉर वीजा। तो आपकी PCC की भी रिक्वायरमेंट है, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस जिसको कहते हैं वो भी रिक्वायर्ड है, और कंफर्म्ड अकोमोडेशन इज द मेन डॉक्यूमेंट। जब आपने अपनी फाइल यहाँ पे एम्बेसी में सबमिशन करवानी, तो आपकी टिकट, तो दीज आर द बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपके फंड्स कितने दिखाने हैं वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि फंड्स में क्राउन इमिग्रेशन बहुत ही टेक्निकल है, क्योंकि 70-80% पेरेंट्स के पास फंड्स नहीं होते जब उन्होंने अपने बच्चों के फॉरन के स्टडी वीज़ाज अप्लाई करने होते हैं, तो उसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने जो फंड्स है किस वे से दिखाने हैं। तो आपके सोर्स ऑफ इनकम में आपकी ITRs हो सकती हैं, आपके बिजनेस पेपर हो सकते हैं, आपके जॉब पेपर्स हो सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, बिफोर टेकिंग द केस ऑफ एनी कंट्री, फर्स्टली आई विल टेक द काउंसलिंग विद द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कि उसके परसेंटेज कितने हैं, फंड्स कैसे हैं, पुराने हैं या न्यू हैं, प्रीवियस कहाँ रिफ्यूज्ड है, परसेंटेज और गैप, प्रीवियसली कोई डिपोर्टेड ओवरसे, इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हम आपको फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हैं आपको वीज़ा या एडमिशन मिल पाए। इवन स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो देन वी नीड टू सुजेस्ट दैट कंट्रीज जहाँ का जो वीज़ा सिस्टम है टुवर्ड्स स्पाउस और डिपेंडेंट लिनियट है, तो उन चीज़ों को भी हम रिकमेंड करते हैं जहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे की बेनिफिट हो पाए, उन कंट्रीज को रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ चल यूके कितनी भी 16 लाख 18 लाख 20 लाख डेली 4 से 5 फोन यूके के आते हैं हमारे पास। यूके वाले स्टूडेंट्स दे आर लुकिंग कि हमें किसी न किसी कंट्री में रिलोकेट किया जाए,
तो अभी डिसीजन आपका है, अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो आपकी रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये लेकर चलिए शेंगेन की या यूरोपियन यूनियन की 30 कंट्रीज है, 30 की 30 प्लेलिस्टें बनी हुई हैं और हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, उनकी भी प्लेलिस्टें वहां पर देख सकते हैं। मैक्सिमम कंट्रीज़ की हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, हर प्लेलिस्ट के अंदर आपको 20-20 50-50 100-100 वीडियोस मिल सकती हैं, उनको वॉच करने के बाद डिसीजन लेना है। ट्रांसपेरेंसी वर्ड फिर मैं हर एक वीडियो में यूज़ करता हूं, 15,000 की रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद आप 3 कंट्रीज के ऑप्शंस क्राउन इमिग्रेशन से ले सकते हैं, ऐसे ऐसे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। और हमारा ब्रोचर भी छप गया है स्टडी इन शेंगेन का, इसमें हमने 30 कंट्री को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब बच्चा हमारे पास आता है, और यहाँ पर हर एक कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। और बाकी हमारी फीस है जब बच्चे का वीजा ग्रांट होता है, इवन कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्टूडेंट के पास है। आप हमारी ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप ऑलरेडी यूरोप में हैं तो आप बुल्गारिया में एज ए स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तब भी हम आपका वेलकम करते हैं। आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर बुल्गारिया का आ चुका है, तो आपको कोई वीजा असिस्टेंट चाहिए तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प करती है। तो लास्टली, अगर आपका कोई भी फ्रेंड फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।